सो भाई जैसा कुछ दिखता है यूनिवर्सिटी, तो चलते भी अंदर पूछते हैं कहाँ से क्या होता है, कितना हेवी बना हुआ है। ठीक है, बहुत ख़तरनाक एकदम अंदर से। ये है पुराना वाला बिल्डिंग BBMKU का। ठीक है, तो यहीं पे सारे पेपर वर्क मिलता है। सो हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम टू अनदर न्यू एंड अपरेस ब्लॉग। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो BBMKU यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं और दूसरे कोई यूनिवर्सिटी में, ठीक है, या फिर दूसरे कोई कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो गाइज़, आप लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ज़रूरत होगा। ठीक है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट बहुत सारे वीडियोस में हम देखें यूट्यूब पे कि वो लोग बता तो रहे हैं कि कैसे आप लोग माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहे कि आप लोगों को कहाँ जाके लेना है, कैसे कलेक्ट करना है यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी में क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, माइग्रेशन लेने के लिए। ठीक है, तो ये सब कुछ हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है और आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा कि माइग्रेशन कैसे लाया जाए। ठीक है, हम ये नहीं बता रहे कि कैसे फिल करें, वो आप लोग दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, फिल करने के बाद वाला प्रोसीजर बता रहे हैं कि आप लोग कैसे कलेक्ट कर सकते हैं माइग्रेशन। मच लेटर। सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए थे, ठीक है, और वहां पे देखिए बोर्ड लगा हुआ है विनोद बिहारी का, है ना। तो अभी हम लोग अंदर घुसते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं यूनिवर्सिटी कैसा है। तो गाइस, बहुत देर से गाड़ी चला के थोड़ा सा थक भी गए हम। ठीक है, तो अभी चलते हैं अंदर। सो गाइस, हम लोग यूनिवर्सिटी पहुंच गए, यहां से दिख रहा है, देखिए कितना पानी भरा हुआ है, अरे वहाँ निकल जाएगा, पकड़ो। तो गाइस, चलिए चलते हैं, देख रहे हैं कितना पानी दिखा, पानी प्यार भी नहीं गया यार मेरा, ये हालत है कुछ। सो गाइस, ऐसा कुछ दिखता है यूनिवर्सिटी, तो चलते भी अंदर पूछते हैं कहाँ से क्या होता है। सो गाइस, ये वाला नया बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है। ठीक है, अरे ऐसा कुछ सीन इधर देखिए, अंदर दिखाते हैं आप लोगों को कैसा है कॉलेज, एकदम खतरनाक है। ये देखिए कितना हेवी बना हुआ है। ठीक है, बहुत खतरनाक एकदम अंदर से। सो गाइस, मेरा नया चश्मा कैसा लग रहा है ये बताइए। ये है ना नया वाला बिल्डिंग है BBMKU का, तो यहाँ पे तो मिल नहीं रहा है, हम लोग को जाना पड़ेगा पुराना वाला बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर बोल रहे, तो वहीं पे चलते हैं और वहीं पे सारा मतलब काम हो जाएगा पेपर वर्क वाला। ठीक है, मतलब माइग्रेशन लेने वाला। A few inches later. So guys, ये है पुराना वाला बिल्डिंग BBMKU का। ठीक है, तो यहीं पे सारा पेपर वर्क मिलता है, तो वहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ना उधर वाला, ये काउंटर नंबर 2 है, तो वहीं पे अभी हम लोग को मिलेगा माइग्रेशन। ये है काउंटर नंबर 1 और ये है काउंटर नंबर 2, तो यहीं पे मिल रहा है माइग्रेशन और यहाँ पे कुछ और डॉक्यूमेंट्स मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हम सबमिट कर दिए सारे डॉक्यूमेंट्स। तो गाइज़, आप लोग नया वाला बिल्डिंग नहीं चल जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, माइग्रेशन कोई भी डॉक्यूमेंट आप लोगों को नहीं मिलेगा, आप लोग को यही वाला बिल्डिंग में आना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग गूगल मैप में जब भी सर्च करेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा कि वो आप लोग नया वाले बिल्डिंग में चल जाइएगा, क्योंकि दोनों का नाम BBMKU से ही है। तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है, मैप वाला लिंक डाल देंगे, ठीक है, इस कॉलेज का। और गाइज, आप लोगों को यहाँ पे लाना पड़ेगा वो 4 डॉक्यूमेंट्स जो आप लोग फॉर्म जब फिल कर रहे थे ऑनलाइन, तो आप लोगों को 4 डॉक्यूमेंट्स लगा था, उसका जेरोक्स इनको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद जो आप लोगों को प्रिंट आउट निकलता है वो इसको सबमिट करना पड़ेगा। तो आप लोग सबमिट कर देंगे, उसके बाद ये हम लोगों को बुलाई है 3 बजे। ठीक है, तो अभी 3 बजा नहीं, अभी यार आधा घंटा है। ठीक है, तो 3 बजे हम लोगों को मिल जाएगा। तो गाइज़, 2 तरह का माइग्रेशन होता है। ठीक है, एक होता है अर्जेंट वाला और एक होता है नॉर्मल रेगुलर वाला। तो अर्जेंट वाला का लगता है 350 रुपया, रेगुलर वाला का लगता है 200 रुपया। तो गाइज़, अगर आप लोग अर्जेंट वाला करवाइएगा ना, तो तुरंत आके दिखा दीजिएगा, मतलब एक ही दिन में उसी दिन में मिल जाएगा। ठीक है, इनको दीजिएगा, ये मतलब कुछ टाइम लेगी, तो तुरंत आप लोगों को निकाल के दे देगी। लेकिन अगर आप लोग 200 रुपये वाला लेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को 1 हफ्ता का टाइम लग सकता है। ठीक है, 1 हफ्ता में आप लोग को फिर दोबारा यहाँ पर आना पड़ेगा फॉर्म फिल करने के बाद, फिर आप उसको दिखाइएगा। ठीक है, मतलब उनको दिखाइएगा, तो आप लोगों को मिल जाएगा, वो निकाल के दे देगी। ठीक है, तो गाइज़, ऐसा ही कुछ सीन है। सो गाइज़, अगर आपके मन में और भी कोई क्वेरी है, ठीक है, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं। ये नीचे आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिख जाएगा, उसमें आप लोग मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं अगर आप लोगों को माइग्रेशन से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो। सो गाइज़, मेरा पैंट देखिए 2 कलर में हो गया ना, पूरा भींग गया, कीचड़ कीचड़ एकदम। ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं गाइज़, अभी ऐसे ही में हम लोग को पूरा मतलब गुजारना पड़ेगा दिन। तो गाइज, एक खेला हो गया था, एक नहीं दो खेला हो गया था कि हम लोग आ रहे थे, ठीक है, आते 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 अचानक वहाँ पे चेकिंग था, तो हम लोगों को लगा कि हम लोगों को नहीं पकड़े, क्योंकि मोस्टली
जब हेलमेट लगाए होते तो नहीं पकड़ता है, तो क्या हुआ कि पुलिस भाई साहब हम लोग को पकड़ लिए, ठीक है। तो लेकिन तुम्हारा भाई उससे भी ज़्यादा तेज, तुम्हारा भाई को पता है ना एकदम, मतलब क्या बोले, साफ़ सुथरा रहना, साफ़ सुथरा मतलब काम एकदम पसंद है, ठीक है। तो हम सारा डॉक्यूमेंट्स रखते हैं अपने साथ ही, ठीक है। तो सबसे पहले वहाँ पर हम लोग रोके, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं गाड़ी साइड लगाओ, साइड लगाओ, हम साइड लगाएं, बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स पेपर चेक करो, आगे जाओ, ठीक है। तो मेरे पास तो सारा पेपर था, कोई टेंशन नहीं, आराम से गए। बोले सर मेरा तो एग्ज़ाम है, ठीक है, मेरे को जाने दीजिए। तो क्या किया, जितना भी आदमी था सबको छोड़ के भाई मेरे को, ठीक है, मेरे को फटाफट से दे दिए। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मतलब पढ़ाई को लेके भी वो लोग थोड़ा मतलब इंपॉर्टेंस देते हैं कि इसका एग्ज़ाम है भाई, इसको जल्दी जान दो भाई। वैसे भी देखिए, अगर मेरा लेट हो जाता तो एग्ज़ाम भले नहीं था, ठीक है, लेकिन अगर मेरा लेट हो जाता तो मेरे को माइग्रेशन नहीं मिलता, और हम 50 किलोमीटर दूर से आ रहे गाइस, तो सब समझ रहे हैं ना, मेरे को अगर यहाँ पे बंद हो जाता तो कितना दिक्कत हो जाता। तो मेरे को बोलना पड़ा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था गाइस, ठीक है। तो थोड़ा अगर कहीं पे अगर झूठ बोल के आपका कुछ भला हो जा रहा है तो थोड़ा झूठ भी बोलना चाहिए, और उनका भी कुछ जा नहीं रहा है क्या हेमंत भाई, ठीक है। तो गाइस वो करते करते फिर हम लोग आ गए यहाँ तक, ठीक है। और अभी जैसे दिखा है मेरा पैर पूरा भींग गया। तो गाइस ये लिट्टी खाएगा अभी हेमंत बाबू, इसे शुरुआत करो भाई, और भी बहुत कुछ खिलाएंगे अभी, ठीक है। गरम गरम देखिए कितना कुछ है लिट्टी में, मज़ा आ जाएगा, खा के बताना कैसा है, ठीक है। मिलने वाला है माइग्रेशन, सो वी आर रेडी रेडी फॉर दैट। नाम बताइए आप लोग। ऋषभ कुमार। कंडीट को ही साइन करना, क्या लगे? सो गाइस माइग्रेशन वाइग्रेशन सब कुछ ले लिए, ठीक है, सब हो गया एकदम बढ़िया से, ठीक है। सो गाइस ये वाला काउंटर नंबर 2 है, ठीक है। तो देख रहे हैं अंदर सारा फाइल वाइल रखा हुआ है, तो यहीं पे ही मिलेगा गाइस, ठीक। और ये है पूरा कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है गाइस। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग गया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं तो वो भी कर लीजिएगा। टिल देन भाई, और मिलते हैं हम लोग ऐसे किसी मस्त वाले ब्लॉग में।